फर्स्टली फाइल्स को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए फर्स्टली मीडिया मैनेजर, इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये मीडिया मैनेजर पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर लिखा है इम्पोर्ट फ्रॉम वीडियोस एंड लिखा है एक्सपोर्ट फ्रॉम वीडियोस विंडो, तो इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। यानी कि जो हमें MSI ऐप प्लेयर के अंदर जो विंडो से हमें फाइल लेनी है, विंडो से शेयर करनी है MSI ऐप प्लेयर को, तो इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे लेने के लिए फाइल्स को। तो हम इसमें से कोई सी भी फाइल्स चुन लेंगे, जैसे कि हमने पिक्चर्स में जाके बता देते हैं आपको, यहाँ पे स्विफ्ट पिक्चर में देख, ये हमारे पास एक थंबनेल पड़ा हुआ है, इसको हम ले देंगे अंदर। यहाँ पे ओपन कर देंगे जस्ट क्लिकिंग। यहाँ पे फाइल होने के बाद देखिए ये सिंपली आसानी से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो चुकी है। अब अगर और कुछ भी करते हैं, देखते हैं इम्पोर्ट फ्रॉम विंडोज़, ठीक है, जैसे कि वीडियोज़ में जाते हैं हम, वीडियोज़ में नहीं, थोड़ी छोटी चीज़ दिखाते हैं आपको, डाउनलोड्स में गए, जैसे मेरे पास ये ब्लैक एंड रेड मैंने अभी एक थंबनेल बनाया है, इसको ओपन करते हैं। देखिए ये सिंपली विंडो से आ गया है MSI में। अब यहाँ से MSI में से विंडो पे भेजने के लिए सिंपली एक्सपोर्ट टू विंडोज़ पे क्लिक करते हैं। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है जो आपको विंडोज़ पे भेजना है, जैसे मेरे को भेजना है ये वाला बैकग्राउंड और ये वाला बैकग्राउंड और ये अप्रूव्ड का साइन, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट टू विंडोज़ क्लिक करूँगा, ये ऊपर है, इस पर क्लिक करा। अब यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पर भेजना है आपको, जैसे मैं पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे इसको, खैर न्यू फोल्डर तो है नहीं, तो यहाँ से न्यू फोल्डर बना लेंगे हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे बस जस्टली। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, जस्ट कि अभी हमने जहाँ पिक्चर्स में न्यू फोल्डर जो बनाया था उसके अंदर जो हमने चीज़ें सेलेक्ट करी थी वो आसानी से एक्सपोर्ट हो चुकी है। और ऐसे ही यदि कोई ऐप या APK या OBB फाइल आपको सेंड करनी हो, तो APK के लिए ये वाला यहाँ पर है, आपको मैं बाहर जाके बता देता हूँ, ये यहाँ पे राइट साइड में APK इंस्टॉल लिख रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कहीं भी आपके डाउनलोड में पड़ा हो APK वगैरह, जैसे मेरे पास ये पड़ा है लेकिन मैं इसको करूँगा नहीं क्योंकि ये डिलीटेड है, जैसे ये है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जस्ट ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और OBB के लिए वही ट्रिक कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टू विंडोज़ पे जाके OBB फाइल आपकी जहाँ पर भी हो उस पर क्लिक करके ओपन कर देना, तो जस्टली यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद फिर आप उसको कहीं भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं और ईजीली यूज़ कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।